आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर दुकान में घुसकर व्यापारी को मारा चाकू। बिलासपुर में कपड़ा व्यवसायी की दुकान में एक युवक घुस गया और शराब पीने के लिए रुपयों की मांग करने लगा। व्यापारी के मना करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया और गले से 1500 रुपए लूट लिया। जाते जाते उसने व्यापारी से बोला कि उसके बेटे को जान से मार देगा। दहशत में आए व्यापारी ने डर के कारण बाद में पुलिस से शिकायत की, तब पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। चकरभाटा कैंप निवासी धीरज कुमार नामदेव 30 वर्ष की वार्ड क्रमांक 13 में छत्तीसगढ़ सोसाइटी नाम से कपड़े की दुकान है। 31 दिसंबर की दोपहर उसकी दुकान में अज्जू उर्फ अजय वर्मा नाम का युवक पहुंचा। उसने पहले शराब पीने के लिए व्यापारी से रकम की मांग की। व्यापारी ने उसे रुपए देने से मना किया। इस अवसर पर युवक ने चाकू निकाल दिया और व्यापारी पर हमला कर दिया। इस दौरान उसने गले से 1500 रुपए लूट लिए। व्यापारी धीरज ने पुलिस को बताया कि वह हमला व लूट के बाद डर गया था, इसके कारण वह इस घटना की जानकारी नहीं दिया। लेकिन 2 जनवरी को जब आरोपी युवक उसकी कार के पास खड़ा था, वह व्यापारी को देखकर भागने लगा। जब व्यापारी धीरज अपनी कार के पास पहुंचा, तब पता चला कि उसने कार में तोड़फोड़ कर दिया है। उसकी हरकतों को देखकर व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।